हाँ जी, क्या हाल चाल? चलें, आज हम करने जा रहे हैं रिवीजन ऑफ स्टैट्यूट। ये रिवीजन क्लिपिंग ना केवल सीए इंटर के बच्चों के लिए बल्कि सीए फाइनल ओल्ड सिलेबस वालों के लिए भी रेलेवेंट होगी, क्योंकि दोनों के सिलेबस में बिल्कुल सेम स्टैट्यूट है और बिल्कुल सेम कंटेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट को। हालांकि इसकी क्लासेस मैंने आपके ओपन फाइल्स के रूप में आपको दी हुई हैं, बट फिर भी आज हम इस चैप्टर को कोशिश करेंगे कि अगर 20 या 25 मिनट के अंदर रिकॉल करना हुआ सारा चैप्टर तो कैसे किया जा सकता है, रादर देन दो या तीन क्लासेस को गो थ्रू करना, अगर 20-25 मिनट में रिवीजन करनी हो तो कैसे होगी। चलिए अब ज़्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि रिवीजन है, हम सीधा आते हैं टू द पॉइंट की बात करते हैं। इस इंटरप्रिटेशन वगैरह पे तो मैं बाद में आऊँगा, सबसे पहले कम टू द पॉइंट। रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन हमने कहा था दो रूल होते हैं, एक होता है प्राइमरी रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन और एक होता है सेकेंडरी रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। तो सबसे पहले हम आते हैं रूल ऑफ लिटिल कंस्ट्रक्शन पे। रूल ऑफ लिटिल कंस्ट्रक्शन क्या कहता है? कहता है कि कभी कभी ना नैरो किसी भी वर्डिंग्स का दो इंटरप्रिटेशन पॉसिबल होती है, एक नैरो और एक वाइडर। अगर नैरो वर्ड नैरो इंटरप्रिटेशन जो है वो एग्जैक्ट इंटरप्रिटेशन नहीं दे पा रही, तो फिर वाइडर इंटरप्रिटेशन पे हमें जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल हमने कहा था सेक्शन 184 में एक वर्ड यूज़ हुआ है कि डायरेक्टर और केएमपी का अगर कोई कंसर्न या फिर इंटरेस्ट हुआ, ये एग्जांपल यहाँ दिया भी हुआ है। यहाँ पर वर्ड कंसर्न और इंटरेस्ट का मतलब क्या लिया जाना चाहिए? क्या यहाँ पर कंसर्न और इंटरेस्ट का मतलब केवल पेक्यूनरी या फिर मॉनेटरी इंटरेस्ट या कंसर्न है? नहीं, यहाँ पर रिलेशनशिप इंटरेस्ट या फिर रिलेशनशिप कंसर्न भी आएगा। फॉर एग्जांपल अगर एक डायरेक्टर का रिलेटिव या वाइफ दूसरी कंपनी में डायरेक्टर है तो ये दिस इज कॉल्ड इंटरेस्ट है उस डायरेक्टर का, ठीक है ना। तो पढ़ लेते हैं एक बार फास्ट ट्रैक में। कहता है समटाइम ओकेजन में अराइज व्हेन द चॉइस हैज टू बी मेड बिटवीन द टू इंटरप्रिटेशन, एक नैरो है एक वाइडर इंटरप्रिटेशन है, इन सच अ सिचुएशन अगर नैरो इंटरप्रिटेशन वुड फेल टू अचीव द मैनिफेस्ट पर्पस, मैनिफेस्ट मतलब द मेन पर्पस जो था ऑफ द लेजिस्लेशन, लेजिस्लेशन मतलब कानून, वन शुड रादर अडॉप्ट द वाइडर वन। फॉर एग्जांपल व्हेन वी टॉक्स अबाउट ऑफ द डिस्क्लोजर, ये एग्जांपल है ऑफ द नेचर ऑफ द कंसर्न और इंटरेस्ट ऑफ द डायरेक्टर और मैनेजर ऑफ द कंपनी इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द प्रपोज मोशन, मोशन मतलब प्रपोजल, मोशन मतलब प्रपोजल, ऑलरेडी खैर ये चीजें लिख चुके हैं। वी कैन नॉट कन्फाइन द वर्ड टू द पेक्यूनरी कंसर्न और इंटरेस्ट अलोन, बट वी हैव टू कंक्लूड एनी कंसर्न और इंटरेस्ट, ये एग्जांपल नंबर वन था। हालांकि इस पे मैंने एग्जांपल नंबर टू एक और लिखवाया था सेक्शन 135 का। फॉर एग्जांपल सेक्शन 135 में कहता है कि सीएसआर एक्टिविटी में क्या किया जाना चाहिए, सीएसआर एक्टिविटी में वो काम किए जाने चाहिए जो कि शेड्यूल 7 में मेंशन है। शेड्यूल 7 में एक काम मेंशन है एजुकेशन, यहां वर्ड एजुकेशन है तो एजुकेशन का वाइडर मीनिंग लीजिए। फॉर एग्जांपल क्या ट्रैफिक एजुकेशन भी एजुकेशन की मीनिंग में आता है? द आंसर इज वाइडर मीनिंग पकड़ो तो आंसर इज यस, ट्रैफिक एजुकेशन इज आल्सो अ पार्ट ऑफ द एजुकेशन ओनली, ठीक हो गई बात। तो दो एग्जांपल है आपके पास रूल ऑफ लिटिल इंटरप्रिटेशन, रूल ऑफ लिटिल कंस्ट्रक्शन के। मेरे पास सेकंड रूल आता है प्राइमरी रूल में, रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन, जिसका हमने सेकंड और एक और नाम दिया लॉजिकल इंटरप्रिटेशन। वो कहता है कई बार लॉजिकल इंटरप्रिटेशन का रूल कहता है कई बार एग्जैक्ट मतलब जब आप लॉ का देखते हो ना तो मतलब सही नहीं निकल पाता, तो फिर कॉमन सेंस भी यूज़ करनी चाहिए कई बार। फॉर एग्जांपल सेक्शन 105 का एग्जांपल यहाँ पर लिखवाया होगा हमने। सेक्शन 105 कहता है कि प्रॉक्सी शैल हैव नो राइट टू स्पीक। जब मैं कहता हूँ प्रॉक्सी को स्पीक यानी कि बोलने का अधिकार नहीं होता तो इसका मतलब क्या, क्या प्रॉक्सी बोल ही नहीं सकता? अगर इसका डिक्शनरी मीनिंग देखा जाए तो स्पीक का मतलब है बोल ही नहीं सकता, बट फिर हमने कहा थोड़ा कॉमन सेंस यूज़ करो। कॉमन सेंस यूज़ की तो पता लगा कि यहाँ पर स्पीक का मतलब ये नहीं है कि बोल ही नहीं सकता, बल्कि स्पीक का मतलब है कि वो मीटिंग्स के मैटर में नहीं बोल सकता, ठीक है ना। तो पढ़िएगा, ये रूल कहता है द वर्ड ऑफ द स्टैट्यूट मस्ट बी कंस्ट्रूड एज टू लीड टू द सेंसिबल मीनिंग, सेंसिबल मतलब निकलना चाहिए। जनरली द वर्ड ऑफ द फ्रेज ऑफ द फ्रेज ऑफ द स्टैट्यूट आर टू बी गिवन देयर ऑर्डिनरी मीनिंग। वो कहते हैं जनरली उनको वही मतलब दो जो उनका मतलब जनरली होता है। फॉर एग्जाम्पल स्पीक का मतलब स्पीक ही होता है। दस इफ द कोर्ट फाइंड दैट गिविंग अ प्लेन मीनिंग टू द वर्ड विल नॉट बी फेयर और रीजनेबल कंस्ट्रक्शन, इट बिकम द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट टू डिपार्ट फ्रॉम द डिक्शनरी मीनिंग। अगर मैंने लिख दिया प्रॉक्सी कैनॉट स्पीक तो वो मतलब ही नहीं रहेगा, बेकार हो जाएगा वो तो मतलब, तो आप उसके डिक्शनरी मीनिंग से अलग हो जाइए एंड अडॉप्ट द कंस्ट्रक्शन विच विल एडवांस द रेमेडी।
और इस तरीके का उसका कंस्ट्रक्शन या इंटरप्रिटेशन निकालिए कि वो ढंग से उसका उपचार कर सके एंड सप्रेस द मिस्टीफ, जो कमी है उसमें उसे दूर कर सके। ठीक हो गया, बढ़ सकते हैं आगे। तो ये हमारा था रूल ऑफ लॉजिकल इंटरप्रिटेशन भी हम इसे कहते हैं। तीसरा हम आते हैं रूल ऑफ हारमोनियस कंस्ट्रक्शन पे। हारमोनियस कंस्ट्रक्शन कहता है कि कई बार ऐसा होता है कि एक ही पॉइंट से रिलेटेड दो सेक्शन अलग अलग बातें कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, नीचे एग्जांपल भी दिया हुआ है कि सेक्शन 136 कहता है कि जनरल मीटिंग खत्म, कि फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 6 महीने के अंदर अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है मेंबर्स के सामने रखी जाएगी। फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 6 महीने के अंदर ऑब्वियसली, तो यानी कि AGM में रखी जाएगी। ये सेक्शन 136 कहता है। अब सेक्शन 96 कहता है कि दो AGM के बीच में डिफरेंस 15 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक तरफ सेक्शन 96 कहता है कि दो AGM के बीच में डिफरेंस सेक्शन दो AGM के बीच में 15 महीने से ज़्यादा का डिस्टेंस नहीं होना चाहिए। और फिर एक सेक्शन 136 कहता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 6 महीने के अंदर अंदर मेंबर के सामने रखी जाएगी। तो अब सवाल उठा कि AGM कब होनी चाहिए, तो मैंने कहा इन दोनों को जोड़ दो। तो यानी कि AGM शेल बी हेल्ड 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर और 15 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट मीटिंग। यही हमने इंटरप्रिटेशन निकाल ली थी। तो हारमोनियस कंस्ट्रक्शन कहता है कि अगर अलग अलग चीज़ें दी गई हैं तो उन सबको जोड़ के पढ़ो, एक दूसरे को वो तबाह ना करें। जब तक ना लिखा हो नॉट विद स्टैंडिंग, कई बार आपने देखा होगा ये वर्ड लिखा होता है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट, इसका मतलब ऐसी तैसी कराए लॉ में लिखी गई हर बात, ऐसी तैसी कराए लॉ में लिखी गई हर बात, जो हम कह रहे हैं वो अप्लाई होगा। कई बार आपको ऐसा आ सकता है कि नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब बताइए, इस चैप्टर में आ सकता है, तो सर हम क्या लिखेंगे? ऑडिटर के चैप्टर में अगर आपको याद हो तो मैंने ऑडिटर का जब चैप्टर कराया तो वहाँ गवर्नमेंट कंपनी का जब सेक्शन कराए, गवर्नमेंट कंपनी में ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, तो वहाँ पर मैंने शब्द की शुरुआत सेक्शन 135 सबसेक्शन 5 सबसेक्शन 7 गवर्नमेंट कंपनी का था, याद है? तो वहाँ मैंने वर्ड यूज़ किया नॉट विद स्टैंडिंग। तो अगर नॉट विद स्टैंडिंग वर्ड आ जाए तो घबराना मत, नॉट विद स्टैंडिंग में सेक्शन 139 सबसेक्शन 5 का एग्जाम्पल चिपकाना। ठीक हो गई थी बात। आगे तो ये रूल ऑफ हारमोनियस कंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, कहता है वेयर देयर इज अ डाउट अबाउट द मीनिंग ऑफ द वर्ड ऑफ द स्टैट्यूट दीज शुड बी अंडरस्टूड इन द सेंस इन विच दे हारमोनाइज विद द सब्जेक्ट ऑफ द इनेक्टमेंट एंड द ऑब्जेक्ट विद द लेजिस्लेटर हेड इन व्यू। मानता हूँ लैंग्वेज थोड़ी याद करनी मुश्किल है, मगर इसको अपनी लैंग्वेज में मत कोट करना, इसी लैंग्वेज पे मार्क्स मिलेंगे। मैं जानता हूँ कि थोड़ा ज़्यादती है आपके साथ, बट तभी आपको ध्यान होगा इस चैप्टर में मैंने ज़्यादा से ज़्यादा एग्जांपल्स करवाई हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एग्जांपल्स करवाई हैं। और एग्जांपल रामलाल सोहनलाल के नहीं हैं, जेन्युइन एग्जांपल हैं। तो ध्यान रखना ज़्यादा से ज़्यादा एग्जांपल कोट करना इस चैप्टर के अंदर, ठीक है ना। लैंग्वेज याद करना मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत आसान है कि मैं आपको बोल दूँ ले जी लैंग्वेज याद कर लूँ, बट अगेन लैंग्वेज जितना लिखवाया है उतना ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल, ठीक है। तो मैं दोबारा बोल देता हूँ, देर इज़ अ डाउट अबाउट द मीनिंग ऑफ द वर्ड ऑफ द स्टैट्यूट। क्या कहना चाह रहा है लॉ, क्लियर नहीं है क्योंकि दो जगह अलग अलग बात लिखी गई है। दिस शुड बी अंडरस्टूड इन द सेंस, तो इस तरीके से इसे समझना कि दोनों का मतलब, दोनों को इम्पोर्टेंस दी जा सके, दोनों में से किसी को ख़त्म ना कर सकें। इन विच दे हारमोनाइज विद द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इनेक्टमेंट, हारमोनाइज का मतलब है दोनों को अपना अपना स्थान देना। वेट, अब ये इजी लैंग्वेज पे आ रहा है। आगे कहता है वेयर देर आर इन एन इनेक्टमेंट टू और मोर प्रोविजन विच कैन नॉट बी रिकनसाइल्ड विद ईच अदर, दो प्रोविजन है जो एक दूसरे से रिकनसाइल नहीं हो रहे किसी भी हालत में, तो फिर दे शुड बी सो इंटरप्रिटेटेड वेयर एवर पॉसिबल सो एज टू गिव इफेक्ट टू ऑल ऑफ देम। तो इस तरीके से उनका इंटरप्रिटेशन करिए कि उन दोनों को ही अपना अपना स्थान दिया जा सके। दिस इज ऑल्सो नोन एज रूल ऑफ हारमोनियस कंस्ट्रक्शन। अभी आगे एग्जाम्पल दिया हुआ है, मुझे नहीं लगता एग्जाम्पल पढ़ने की मुझे जरूरत है। चले फिर मैं आता हूं अगले मेरे रूल पे, जिसका नाम है रूल ऑफ बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन। इसे हिडन्स रूल भी कहते हैं, इसका एक और नाम भी है मिस्चीफ रूल, मिस्चीफ रूल, और इसे अपन लोग गोल्डन रूल भी कहते हैं। कहीं एक नाम याद करके जाएं, पता लगा वहां दूसरा नाम पूछ ले और हम कोई तीसरा पैराग्राफ वहां जोड़ आए। मैं दोबारा बोलता हूं, उसने पूछा हमसे एक नाम, हमें याद नहीं था वो नाम, हमें कोई दूसरा नाम ध्यान आया और हम तीसरे नाम का पैराग्राफ लिखाए। इसीलिए मैंने आज जो पहली क्लिपिंग बनाई है उसमें कहा है कि इस चैप्टर को 2 बार पढ़ना कम से कम। क्लिपिंग सुनने के बाद भी, ठीक है ना,
तो इस रूल के क्या क्या नाम है? बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन, हिडन रूल, मिस्टीफ रूल, गोल्डन रूल. हिडन रूल इसलिए कहते हैं क्योंकि इंग्लैंड के एक महाराजा थे, उनके जमाने पे ये रूल बना था, वो अपने साम्राज्य में ऐसा किया करते थे. ये रूल कहता है कि जब भी कोई देखना हो लॉ कैसे आया, कोई नया लॉ आए, तो सबसे पहले देखो इस लॉ के आने से पहले क्या 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 सिचुएशन क्या थी. दूसरा, इस लॉ में कमी क्या थी. तीसरा, नया लॉ क्या होना चाहिए. चौथा, नया लॉ उस कमी को किस तरीके से दूर करेगा. इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था कि बनता है डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर. कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर जब इंट्रोड्यूस किया गया, क्यों? क्योंकि लॉ में कमी थी. लॉ कहता था कि कोई भी डायरेक्टर 20 से ज़्यादा कंपनियों में डायरेक्टर नहीं बनेगा. सवाल उठा, आप इसे किस तरीके से इंश्योर करोगे कि एक व्यक्ति कितनी कंपनियों में डायरेक्टर है, ठीक है ना. तो लॉ में ये कमी थी कि हम ये नहीं पता लगा पा रहे थे कि एक कंपनी कितनी व्यक्ति एक व्यक्ति कितनी कंपनियों में डायरेक्टर है. तो इसको ओवरकम करने के लिए रूल ऑफ डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर लाया गया. तो क्या इसने जो कमी थी लॉ की, जो मिस्टीफ थी, उसे सप्रेस कर दिया, दबा दिया? द आंसर इज यस, उसे दबा दिया. तो पढ़िएगा, वेयर द लैंग्वेज यूज इन द स्टैट्यूट इज केपेबल ऑफ मोर देन वन इंटरप्रिटेशन, द मोस्ट फर्मली एस्टेब्लिश रूल फॉर कंस्ट्रक्शन इज द प्रिंसिपल ले डाउन इन द हिडन रूल. The rule which is also known as purposive construction, देखो जी एक और नाम है इसका, mischief rule, enable the consideration of four matter in constituting an act. कहता है what was the law before making of the act? Act से बनने से पहले law क्या था, mischief यानी कि कमी क्या थी, remedy क्या इस act ने की, और इस remedy का object क्या था. हालांकि वे ये तो rule अगर आप वैसे भी as it is भी लिखा हो ना, तो भी आपके चार नंबर का जो अगर क्वेश्चन आता है तो भी कंप्लीट हो जाएगा. बट फिर भी अगर आप डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर का कॉन्सेप्ट बनाना चाहते हो, खासकर अगर आप फाइनल वाले हो, तो आप वो भी बना सकते हो एग्जांपल. और अगर आप इंटर वाले हो, तो आपको एक प्राइस कंपटीशन एक्ट का मैंने एग्जांपल लिखवाया हुआ है कि प्राइस कंपटीशन एक्ट में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट मैंने लिखवाया हुआ है. तो आप प्लीज़ उस एग्जांपल को भी रेफर कर सकते हो, जहाँ पे प्राइस कंपटीशन में लिखा हुआ है कि कंपटीशन का मतलब क्या होना चाहिए. क्या कंपटीशन के मतलब में वो भी चीज़ें आनी चाहिए जहाँ पर सब्सटेंशियल स्किल्स इन्वॉल्व है. तो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन पढ़ते हुए कहा कि जब ये लॉ बनाया गया प्राइस कंपटीशन एक्ट, तो कंपटीशन का मतलब उसमें वहां पर जो सब्सटेंशियल स्किल्स जिसमें इन्वॉल्व होती है ना, उन चीजों को नहीं गिना गया था. इसमें केवल उन्हीं चीजों को गिना गया था जैसे क्रॉसवर्ड पजल्स वगैरह होती हैं, जहां पर आप दिए गए आंसर्स को पहले से बनाए हुए आंसर से चेक करते हैं, बस इसमें वही चीजें आती हैं. सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, मैंने आपको लिखवाया था. हो सके तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट अगर आप यहां लिख पाए तो ज्यादा अच्छा है. चले आगे बढ़ सकते हैं. तो ये हमारा अगला रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन हुआ. फिर आता है हमारा रूल ऑफ एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन. अगर रूल ऑफ एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन आता है तो प्लीज मेक श्योर आप इसमें ये तीनों रूल लिख के आ रहे हैं, कॉमन सेंस का रूल, कंजंक्टिव एंड डिसजंक्टिव का रूल, और मे और शेल का रूल. ये तीनों एक रूल ऑफ एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन में आप लिख कर आएंगे. सबसे पहला वर्ड आता है कॉमन सेंस रूल. कॉमन सेंस रूल अगर ये आता है पेपर में, अगर आता है, तो आप अगर इसका ये लैटिन नाम याद कर पाएं, इसका लैटिन नाम खासकर, तो बहुत अच्छा हो जाएगा. अट्रस मैगस वॉलेट क्वम्पीरियट. अगर याद ना हो पाए सर तो क्या करें, तो कोई दिक्कत नहीं. अगर याद ना हो पाए तो इसकी जगह जो बाकी के मतलब लिखे हुए हैं वो लिखाना. अगर ये याद नहीं हो पा रहा, मैं अगेन जानता हूँ मेरे लिए बोलना यहाँ खड़े हुए आसान है, आपके लिए याद करना थोड़ा मुश्किल है. बट जिन्होंने एफर्ट किया हुआ है उनको इस एफर्ट का जरूर अच्छा फल मिलेगा अगर एफर्ट ऑलरेडी इस पर किया हुआ है. फिलहाल कॉमन सेंस रूल क्या कहता है, वो कहता है हर वर्ड को अपना मतलब दिया जाना चाहिए, कोई भी वर्ड लॉ में छोड़ा नहीं जाना चाहिए. बट कई बार ऐसा होता है कि एक अंगूर पूरी टोकरी में होता है जो खराब होता है, या एक सेब पूरी टोकरी में होता है खराब होता है. अगर उस टोकरी में उस सेब को पड़ा रहने देना तो वो सेब पूरे के पूरे टोकरे को खराब कर देता है. कई बार लॉ में भी ऐसा शब्द आता है. फॉर एग्जांपल मैंने इसका एक एग्जांपल दिया था, लिखवाया नहीं था ना ही लिखना है आपको. सेक्शन 160 152 सबसेक्शन 7 के अंदर
152 सबसेक्शन 7 के अंदर कुछ ग्राउंड्स दिखाए थे, जहां पर एक ग्राउंड ऐसा था जिसका इंटरप्रिटेशन पूरे 152 सबसेक्शन 7 को मिसलीड कर रहा था। तो फिर अगर लॉ में कोई ऐसा शब्द है जिसको अगर मैंने स्थान दिया तो पूरा सेक्शन डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो फिर ऐसे शब्द को छोड़ दो, बाकी हर शब्द को, लॉ में दिए हुए हर शब्द को उसका स्थान जरूर देना चाहिए। Although full effect must be given to every word, however, if no sensible meaning can be fixed to a word or phrase, or it would defeat the real object of the enactment, matlab law, then it should be eliminated. Theek hai, no need to write the example of section 152, subsection 7, even if you are in final. They ought to be constituted utteras megis valet imperiet, meaning thereby that it is better to for a thing to have the effect than to make a void. Matlab koshish yehi karo ki usko effect do. आगे फिर आता है कंजंक्टिव एंड डिसजंक्टिव वर्ड्स और एंड। देखो जब और एंड पे खाली इनके ऊपर सवाल पूछे तभी इसका एग्जांपल लिख के आना, अदरवाइज इसका एग्जांपल लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे ही काफी है, इसका एग्जांपल लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि अगर वो पूछता है केवल रूल ऑफ एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन तो केवल ए बी सी करके कंजंक्टिव डिसजंक्टिव में शेल और ऊपर वाला पॉइंट ए लिख के आ जाना, ठीक है ना। बट अगर वो केवल वर्ड और एंड पे आता है तो इसका एग्जांपल जो मैंने सेक्शन 439 लिखवाया था वो जरूर कोट करके आना। सेक्शन 439 याद आया, सेक्शन 439 सिंपल है कि जहां पर कहा गया था कि वाइंडिंग अप की पेटिशन सेक्शन 433 क्लॉज ई के अंदर कब तक फाइल कब फाइल की जा सकती है। चले फिर आता है मे एंड शेल। मे ऑप्शनल है, शेल मैंडेटरी है, बट दोनों वाइस वर्सा भी यूज हो सकते हैं। अगेन अगर रूल ऑफ एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन पूछे तो एग्जांपल मत लिखना, बट अगर मे और शल के बारे में पार्टिकुलरली पूछ ले चार नंबर पे तो एग्जांपल जरूर कोट करना। सेक्शन 408 का एग्जांपल लिखवाया हुआ है, सेक्शन 408, तो वो एग्जांपल कोट करके आना, एग्जांपल पढ़ते ही आपको समझ आ जाएगा। तो वो कहता है मे वर्ड का नॉर्मली मतलब जो है वो क्या होता है, डायरेक्टरी इन नेचर होता है, मतलब डायरेक्शन है, यूज कर लो पालन तो ठीक है, ना करो तो भी ठीक है। इन सम केसेस द लेजिस्लेटर मे यूज द वर्ड मे एज अ मैटर ऑफ प्योर कर्टेसी। वो कहता है कई बार लॉ बनाने वाले मे को कन्वेंशनल, क्योंकि परंपरा चली आ रही है तो इसलिए मे यूज करते हैं, बट वहां पर मे का मतलब शल होता है। अब कैसे पता लगेगा, तो फिर एग्जाम्पल वही 408 यूज करना है। अगर यही केवल मे और शेल पे सवाल पूछे तो देयरफॉर इन ऑर्डर टू इंटरप्रेट द लीगल इंपोर्ट ऑफ द वर्ड मे वी हैव टू कंसीडर द वेरियस फैक्टर। तो हम डिफरेंट फैक्टर्स हमें ध्यान में रखने पड़ेंगे। क्लियर हो गई बात। फिर आता है रूल ऑफ एजेस्टम जेनेरियस। एजेस्टम जेनेरियस का मतलब होता है कई बार ना कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स यूज किए जाते हैं और उन स्पेसिफिक वर्ड्स के यूज किए जाने के बाद उनके पीछे एक ना जनरल वर्ड लगा दिया जाता है। तो ये जो जनरल वर्ड जो कि स्पेसिफिक वर्ड के पीछे आ रहा होता है ना, तो ये जनरल वर्ड अपनी इंटरप्रिटेशन उन स्पेसिफिक वर्ड से ही निकलता है। फॉर एग्जांपल हमने कहा जी वॉर, डिस्टर्बेंस और एनी अदर कॉज। अब यहां पर एनी अदर कॉज जब मैं लेता हूं तो पिछले वर्ड्स देखो, तो एनी अदर कॉज का मतलब भी यहाँ पर ऐसा ही कोई शब्द होना चाहिए और कोई उटपटांग शब्द नहीं होना चाहिए। सिमिलरली देखिए एक एग्जांपल नंबर 2, डॉग, कैट, काउस, बफेलो एंड अदर एनिमल। अदर एनिमल में क्या मैं डायनासोर ले लूँ? नहीं। अगर आप इन सब की कैटेगरी देखो तो ये पेट्स हैं जो घर पे पाले जाते हैं। डायनासोर थोड़े ना घर पे पाला जाने वाला एनिमल है। तो यानी कि जनरल वर्ड जो है वो पीछे यूज हुए स्पेसिफिक वर्ड से अपनी इंटरप्रिटेशन निकाल के आएंगे और स्पेसिफिक वर्ड से ही उनकी इंटरप्रिटेशन ली जाएगी। क्लियर हो गई इतनी बात। चल सकते हैं आगे, यहां से पढ़ लीजिएगा। द टर्म एजेस्टम जेनेरियस मीन्स ऑफ द सेम काइंड और द स्पीशीज, सेम तरीके के वर्ड्स। सिंपली स्टेटेड इस रूल का मतलब है डेट वेयर द स्पेसिफिक वर्ड आर यूज एंड आफ्टर दो स्पेसिफिक वर्ड सम जनरल वर्ड्स आर यूज देन द जनरल वर्ड वुड टेक देयर कलर। यानी कि वो अपनी पहचान कहाँ से लेंगे, फ्रॉम द स्पेसिफिक वर्ड यूज्ड अर्लियर। कोई दिक्कत नहीं, बढ़ सकते हैं। उसके बाद आपके पास तीन तीन एग्जांपल हैं कोट करने के लिए। एक एग्जांपल ये है, दूसरा एग्जांपल ये है, आई थिंक तीसरा एग्जांपल मैंने और भी लिखवाया था, शायद एक और एग्जांपल इस रूल ऑफ एजेस्टम जेनेरियस पे हमने लिखवाया हुआ था। मेरे ख्याल से तीन एग्जांपल इसके थे। आर्म्स एमिन्यूशन वाला कोई एग्जांपल्स मैंने लिखवाया था ना,
आर्म्स एम्यूनिशन गन पाउडर और अदर टाइप्स ऑफ गुड्स. तो अदर टाइप्स ऑफ गुड में कोई सीमेंट वगैरह नहीं आएगा, सेम क्वांटिटी के सेम क्वालिटी के गुड्स ही आएंगे. चले आगे बढ़ना शुरू करते हैं. फिर हमारा आता है सेकेंडरी रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन. बट आई एम कमिंग टू द सेकेंडरी रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन. तो सेकेंडरी रूल ऑफ, अच्छा इस पे क्वेश्चन कैसे आएगा, आपसे पूछेगा या तो डिफाइन द सेकेंडरी रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन. बट ये इतना बड़ा क्वेश्चन बनेगा कि 8 नंबर से कम पे नहीं आना चाहिए. तो चांसेस क्या है वो अलग अलग पूछ सकता है. डिफाइन द इफेक्ट ऑफ यूसेज. तो अगर वो इफेक्ट ऑफ यूसेज कहता है तो पहला इफेक्ट ऑफ यूसेज में लिखेंगे ऑप्टिमा लीगम इंटरप्रेट कॉन्स्टिट्यूडो, यानी कि कस्टम इज द बेस्ट इंटरप्रिटेटर ऑफ द लॉ. सर अगर हमें याद ना हो पाए ऑप्टिमा लीगम इंटरप्रेट कॉन्स्टिट्यूडो, देखो याद हो इसे याद कर लेना तो ज्यादा अच्छा था, हो जाए तो ज्यादा अच्छा है. ये फिर भी अगर ना हो पाए तो इसका ये सिंपल मीनिंग लिख के आ जाना. मार्क्स कुछ ऐसा नहीं है कुछ नहीं मिलेंगे, कुछ जरूर मिल जाएंगे. बट एक एक नंबर भी कीमती होता है भाई सीए में. तो बट अगर ये याद हो जाए तो बेस्ट है मैं कहूँगा. फिर अच्छा कस्टम इज द बेस्ट इंटरप्रिटेटर ऑफ लॉ का मतलब क्या है. मैंने यहाँ एग्जाम्पल दिया था कि भैया कई बार विवाह होता है तो विवाह में अग्नि के फेरे लिए जाते हैं. तो अग्नि के फेरे का मतलब क्या होता है. अग्नि के फेरे का मतलब बीड़ी सिगरेट का धुआं, सिगार का धुआं, उसके भी फॉर एग्जांपल आपने बीड़ी जलाई उसके साथ फेरे ले लिए तो विवाह हो गया बीड़ी जला के. नहीं भैया नहीं, वहाँ होता है कि हवन कुंड की अग्नि, ठीक है ना. तो कस्टम परंपराएं, देखो परंपराएं क्या है. फिर कहता है कंटेम्परेनिया एक्सपोजिशन ऑप्टिमा ऑप्टिमा एट 40 सीमा इन लेगे. मतलब द बेस्ट वे टू इंटरप्रिटेट अ डॉक्यूमेंट इज टू रीड इट एज इट वुड हैव बीन रीड व्हेन मेड. यानी कि जब किसी डॉक्यूमेंट को पढ़ा जाता है तो उस वक्त जो माहौल था उस वक्त का मतलब इसका क्या निकलता है उस वक्त के हिसाब से देखा जाना चाहिए. इसमें हमने एक एग्जांपल लिखवाया हुआ है सेक्शन 6 ऑफ द इंडियन पोस्ट एक्ट का. उस एग्जांपल को जरूर कोट करके आना, जरूर कोट करके आना. उस एग्जांपल में लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट अगर मान लीजिए कोई डाक वगैरह खो जाती है तो गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी. सिमिलरली उसका कोई ऑफिसर भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा. बट जिस टाइम ये सेक्शन 6 ऑफ द इंडियन पोस्टल एक्ट बना था ना उस टाइम जो पोस्ट थी वहाँ पे दो ही चीज़ें आती थी, एक रजिस्टर्ड पोस्ट और एक नॉर्मल पोस्ट. स्पीड पोस्ट उस वक्त नहीं थी. तो क्या स्पीड पोस्ट में भी ये कानून लगना चाहिए. द आंसर इज नो. तो इसका एग्जांपल कोट करके जरूर आना, जरूर आना. अगर वो पेपर में पूछ लेता है इसे 4 या 6 नंबर का, ठीक है. चले इफेक्ट ऑफ यूसेज के बाद आता है अगला हमारा कॉन्सेप्ट. वो पूछ सकता है पेपर में भी, उसने पास्ट में पूछा भी हुआ है. नॉस्किटरोसोसिस. नॉस्किटरोसोसिस का मतलब ये नहीं कि रेड सॉस लगा के समोसा खाना है. नहीं, नॉस्किटरोसोसिस का मतलब है कि वर्ड्स कई बार एसोसिएटेड वर्ड होते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बोला था एयर का मतलब हवा, कंडीशन का मतलब ना हालात, हालात. तो एयर कंडीशन का मतलब हवालात. नहीं भाई, नहीं भाई, नहीं हवालात नहीं. तो एयर कंडीशन का मतलब वातानुकूलित यंत्र, ठीक है ना. तो नॉस्किटरोसोसिस का मतलब है जैसे रेड कारपेट. तो कई बार एसोसिएटेड वर्ड यूज होते हैं तो एसोसिएटेड वर्ड्स को साथ मिलाकर जो प्रॉपर मीनिंग हो ना वो डिराइव करना चाहिए. फॉर एग्जांपल यहां पर एग्जांपल लिखवाया कि कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट का, कि जब हम कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं ना तो कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट का मतलब होता है एन एस्टेब्लिशमेंट विच कैरीज ऑन एनी बिजनेस ट्रेड और प्रोफेशन. एन एस्टेब्लिशमेंट विच कैरीज ऑन एनी बिजनेस ट्रेड, बिजनेस कॉमा ट्रेड और प्रोफेशन. अब यहाँ पर वर्ड है प्रोफेशन. प्रोफेशन का मतलब क्या होता है. फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए मैं डॉक्टरी पेशा है और मैं डॉक्टर के रूप में चैरिटेबल हॉस्पिटल चला रहा हूँ तो वो भी मेरा प्रोफेशन है. बट क्योंकि यहाँ पर वर्ड प्रोफेशन यूज हुआ है बिजनेस और ट्रेड के सेंस में और बिजनेस का मतलब होता है प्रॉफिटेबल वेंचर. तो यहाँ पर अगर आप चैरिटेबल हॉस्पिटल चला रहे हैं तो प्रोफेशन तो है बट क्योंकि ये बिजनेस के साथ में यूज हुआ है तो इसलिए यहाँ पर ये नहीं आएगा. क्योंकि ये जिनके साथ में यूज हुआ है उनके साथ में इसका मतलब निकाला जाना चाहिए. क्योंकि अदरवाइज तो कंडीशन का मतलब हालात होता है बट एयर के साथ अगर कंडीशन जुट जाए तो फिर उसका मतलब वातानुकूलित यंत्र यानी कि अलग मतलब बन जाता है. तो आप इसका ये वाला एग्जांपल जरूर लिख के आएंगे. एसोसिएटेड वर्ड का अगर आ जाता है कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट का एग्जांपल जरूर चिपका के आना. ठीक हो गई इतनी बात और आगे बढ़ते हैं. फिर कहता है लॉन्ग टाइटल. लॉन्ग टाइटल क्या होता है. फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैंने एग्जाम्पल लिखवाया फेमा का आपको.
क्योंकि अगर वर्ड में आप खासकर इंटर वालों से पूछूं कि फेमा बताओ फेमा क्या है, तो पहला सवाल जो पहला दिमाग जो उनमें आएगा वो कई बच्चे कहेंगे सर वही जो टीवी पे ऐड आती है मैं फेमा ही लेना, भाई ये वो फेमा नहीं है। तो अब मैं आपको बोलूं फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, अब आपके समझ आएगा भाई पोपली कुछ और कहना चाह रहा है। तो इसलिए जब आप किसी एक्ट को बड़ा करके उसके पूरा जो लॉन्ग टाइटल है उसे पढ़ते हैं तो वो इंटरप्रिटेशन प्रॉपर इंटरप्रिटेशन देता है। तो फेमा का एग्जांपल लिखवाया था उसे कोट करके आ सकते हो, सरफासी का एग्जांपल मत कोट करना, सरफासी उसका एग्जांपल अलग ही मैंने शायद लिखवाया होगा मगर कोट मत करना, फेमा का एग्जांपल कोट कर देना। तो कहता है शॉर्ट टाइटल ना कई बार पहचानने में ही मदद करता है, बस लॉन्ग टाइटल बताता है कि यह एक्ट किस लिए बनाया गया होगा। फिर आता है प्रीएम्बल। अच्छा प्रीएम्बल का मतलब क्या होता है? किसी भी एक्ट की शुरुआत में ना सबसे पहले उसका प्रीएम्बल दिया जाता है, जैसे कहते हैं इंट्रोडक्शन, जो बताता है कि भाई ये एक्ट आया क्यों है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एग्जांपल आपको लिखवाया कि कंपनीज एक्ट का अगर प्रीएम्बल देखा जाए तो ये कहता है इट इज कंपनी एक्ट 2013 का कि इट इज एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ इन रिलेशन टू द कंपनीज, यानी कि ये एक्ट किस लिए बनाया गया है, कंसोलिडेट करने के लिए एंड एक तो कंसोलिडेट करने के लिए एंड अमेंड करने के लिए लॉ इन रिलेशन टू कंपनीज। तो मुझे ये बात समझ आ गई कि इसने पिछले लॉ को मॉडिफाई भी किया है, पिछले लॉ को मॉडिफाई भी किया है एज इट इज भी कैरी किया है, मुझे ये बात पता लग गई। इसका मतलब ये नहीं है प्रीएम्बल में अगर लिखा हुआ कंसोलिडेट एंड मॉडिफाई का मतलब कि पिछला लॉ कंपनी एक्ट 1956 बिल्कुल खत्म ना, वो भी है मगर ये रूल ये लॉ जो वर्ड लिखा है कंसोलिडेट मतलब उसे आगे भी कैरी कर रहा है, मॉडिफाई मतलब उसे अमेंड भी कर रहा है। तो प्रीएम्बल एक्सप्रेस द स्कोप ऑब्जेक्ट एंड पर्पस ऑफ द एक्ट मोर कॉम्प्रिहेंसिवली देन द लॉन्ग टाइटल, द प्रीएम्बल मे प्रोवाइड द ग्राउंड एंड द कॉज ऑफ मेकिंग अ स्टैट्यूट, वो बता सकता है रीजन क्या है इस कानून को बनाने का एंड द इविल मतलब कौन सी बुराइयां थे विच इज सॉट टू बी रेमेडीड बाय इट, ठीक है ना। Preamble to an act disclose the primary intention of the legislator, but can also be brought in as an aid to construction if the language of the statute is not clear. कहता है कई बार interpretation निकालने में जब दिक्कत होती है तो जज साहब preamble को भी देखते हैं कि इसका object क्या था, तो ये internal aid to the interpretation में आएगा। अगर question में आता है internal aid to interpretation तो ये सारे चिपकाने पड़ेंगे, example पे तब जोर मत देना, बट अगर खाली word preamble पूछे तब example देना, खाली long title पूछे तब example देना, खाली heading पूछे तब example देना, अगर internal aid to interpretation पूछे तो इनके respective example मत देना क्योंकि मोहब्बत नहीं करनी, चार नंबर के question से ध्यान रखना। हेडिंग एंड टाइटल, व्हेन आई से हेडिंग एंड टाइटल का मतलब क्या होता है, तो कई बार ऐसा होता है कि जब हम कॉन्सेप्ट का किसी पार्टिकुलर चैप्टर का हेडिंग देखते हैं ना तो भी हमें मतलब क्लियर हो जाता है कि इस चैप्टर में अब क्या आने वाला है। फॉर एग्जांपल कंपनीज एक्ट को आप जानते हैं 29 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है, उसमें से चैप्टर नंबर 10 बताता है ऑडिट एंड ऑडिटर के बारे में। और भैया जैसे ही मैंने बोला चैप्टर नंबर 10 बताता है ऑडिट एंड ऑडिटर के बारे में, सेक्शन 139 टू सेक्शन 148 तक आपको क्लियर है, हेडिंग सुनते ही ऑडिट एंड ऑडिटर का, इसमें ऑडिटर की बातें होंगी, ऑडिटर कैसे अपॉइंट होगा, ये सब बातें होंगी। तो यही एग्जाम्पल जो लिखवाया हुआ है एज इट इज चिपका गया जाना, ठीक है जी। फिर उसके बाद आता है मार्जिनल नोट्स, मैंने दिखवाया था मार्जिनल नोट्स कैसे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब लॉ बनते हैं ना तो नीचे एकदम आप अपने स्टडी मटेरियल में भी देख लीजिएगा, नीचे एकदम नोट्स दिए होते हैं, नीचे एकदम बिल्कुल नीचे करके नोट्स दिए होते हैं। अब मार्जिनल नोट्स की अगर बात करूं तो अगर मार्जिनल नोट्स भारत के संविधान में आ रहे हैं ना तो उसे साथ में पढ़ा जाता है इंटरप्रिटेशन के, बट मार्जिनल नोट अगर एक्ट में आते हैं तो उनको साथ में बिल्कुल नहीं पढ़ा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, जजमेंट का नाम अगर आपको याद हो तो मैंने लिखवाया था सीआईटी वर्सेस अहमद भाई उमेर भाई एंड कंपनी का जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का, तो ये मार्जिनल नोट्स के बारे में हमने किया था। कहते हैं मार्जिनल नोट अपेंडेड टू द आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन हेल्ड टू बी द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज पास बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एंड देयरफॉर हैव बीन मेड यूज ऑफ इन कॉन्स्टिट्यूटिंग द आर्टिकल, संविधान को पढ़ने में उनका यूज होना चाहिए, उनको संविधान का पार्ट माना जाता है बट एक्ट को पढ़ने में उनका कोई यूज नहीं होता क्योंकि केवल यही बताते हैं कि इस दिन इंट्रोड्यूस किए गए थे। तो जो लिखवाया था मार्जिनल नोट्स के बारे में वो भी लिख के आना अगर मार्जिनल नोट्स के बारे में आता है। फिर आता है डेफिनेशनल सेक्शन या फिर क्लॉजेस। जब मैं डेफिनेशन की बात करता हूँ ना तो डेफिनेशन तीन तरीके की होती हैं, एक रेस्ट्रिक्टिव डेफिनेशन, रेस्ट्रिक्टिव डेफिनेशन मतलब जो है बस यही है इसके अलावा और कुछ नहीं है। रेस्ट्रिक्टिव डेफिनेशन की पहचान होती है कि ये वर्ड यहाँ पे यूज होता है मींस,
मींस, मींस का मतलब बस यही है डेफिनेशन, इसके अलावा और कोई नहीं है। बट कई बार एक्सटेंसिव डेफिनेशन होती है तो उनके लिए वर्ड यूज होता है इंक्लूड। इंक्लूड का मतलब होता है भाई जो हम कह रहे हैं नीचे जो लिखा हुआ है वो तो है ही है, इसके अलावा भी बहुत कुछ यहाँ पर आ सकता है। व्हेन अ वर्ड इज डिफाइंड टू मीन, जब डेफिनेशन में मीन वर्ड लिखा होता है सच एंड सच, द डेफिनेशन इज प्राइम ऑफेसी रेस्ट्रिक्टिव। रेस्ट्रिक्टिव का मतलब है कि बस यही है, एग्जॉस्टिव मतलब यहाँ खत्म हो गई है। वी मस्ट रेस्ट्रिक्ट द मीनिंग ऑफ द वर्ड टू डेट गिवन इन द डेफिनेशन सेक्शन। जो डेफिनेशन में लिखा हुआ है बस उतना ही मतलब लेना, और कोई मतलब इसका मत लेना। बट वेयर द वर्ड इज डिफाइंड टू इंक्लूड, बट जब डेफिनेशन में इंक्लूड वर्ड आता है सच एंड सच, द डेफिनेशन इज प्राइम ऑफेसी एक्सटेंसिव, तो इंक्लूड का मतलब है जो लिखा हुआ है वो तो ठीक है बट उसके अलावा भी बहुत कुछ यहाँ पर आ सकता है। हेयर द वर्ड डिफाइंड इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू द मीनिंग असाइंड टू इट, यानी कि जितना लिखा हुआ है केवल वहीं तक लिमिट नहीं है, बट हैज एक्सटेंसिव मीनिंग विच आल्सो इंक्लूड द मीनिंग असाइंड टू इट इन द डेफिनेशनल सेक्शन। तो इसमें इसका मतलब और भी हो सकता है। फिर आती है जी एम्बिग्यूस डेफिनेशन। एम्बिग्यूस डेफिनेशन का मतलब होता है कि कई बार डेफिनेशन ही अपने आप में बड़ी कंफ्यूज कर डालती है कि पता नहीं क्या कहना चाह रही है डेफिनेशन, तो फिर क्या होना चाहिए। एम्बिग्यूस डेफिनेशन का मतलब होता है कि खाली डेफिनेशन को पढ़कर हमें क्लैरिटी नहीं मिल रही, जब तक हम इससे संबंधित और लॉ को ना पढ़ लें तब तक हमें इससे डेफिनेशन को पढ़कर क्लियर नहीं हो रहा। इन केस वी फाइंड दैट द डेफिनेशन सेक्शन में इटसेल्फ बी एम्बिग्यूस, उसके अनेक अर्थ निकल रहे हैं, एंड सो इट मे हैव टू बी इंटरप्रेटेड इन द लाइट ऑफ द अदर प्रोविजन ऑफ द एक्ट, बाकी प्रोविजंस के साथ मिलाकर इसे पढ़ना चाहिए, अदरवाइज इसका मतलब क्लियर नहीं हो पाएगा। एंड हैविंग रिगार्ड टू द ऑर्डिनरी मीनिंग ऑफ द वर्ड डिफाइंड, तो जो नॉर्मल मतलब लिखा गया है उस हिसाब से उसका मतलब निकाला जाना चाहिए डेफिनेशन का, रादर देन एक वर्ड को पढ़कर मतलब नहीं बल्कि पूरा एक्ट को पढ़ना चाहिए। एनी सच डेफिनेशन कैन नॉट बी रीड इन आइसोलेशन, इन अदर वर्ड इट शैल बी रीड इन द कंटेक्स्ट ऑफ द फ्रेजेस विच इट डिफाइन, realizing that the function of the definition is to give accuracy and certainty to a word which would otherwise be vague and uncertain. यानी कि definition का purpose है certain meaning देना, but अगर एक ही word को मतलब एक ही word को पढ़कर interpretation निकाला तो शायद clear नहीं है, इसलिए पूरा act पढ़ना पड़ेगा जहाँ से इसका मतलब clear निकल सकता है ambiguous definition का। यहाँ पर मैंने आपको लिखवाया था एक example इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 का, जहाँ मैंने कहा था टर्मिनेशन ऑफ सर्विस का मतलब क्या होता है। टर्मिनेशन ऑफ सर्विस में क्या रिट्रेंचमेंट भी आता है? अब टर्मिनेशन ऑफ सर्विस में रिट्रेंचमेंट लग रहा है आता है या लग रहा है नहीं भी आता, तो फिर अब हम क्या करें, आता होगा या नहीं आता होगा, अब ये कैसे करें, इसके अनेक मतलब निकल रहे हैं कि आ भी सकता है या नहीं भी आ सकता। तो सीजनल वर्कर के केस में भी हमने बात की थी और हमने डेली वेजर के बारे में भी बात की थी, हमने कहा था कि अगर डेली वेजर के केस में उन्हें पहले से बता दिया जाए कि आप जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं ये कॉन्ट्रैक्ट के ख़त्म होते ही आपकी सर्विसेज ख़त्म हो जाएंगी, तो उनकी सर्विसेज तो को रिट्रेंच नहीं माना जाएगा, बट उन्हें नहीं बताया गया और फिर उन्हें निकाल दिया तो इसे रिट्रेंचमेंट माना जाएगा। ठीक हो गई थी बात। तो ये एग्जांपल, अगर एम्बिग्यूस डेफिनेशन पे क्वेश्चन आ जाता है तो आप इस एग्जांपल को चिपका के आ सकते हैं, ध्यान रखना। ठीक हो गई थी बात। फिर उसके बाद और आगे पढ़ना शुरू करते हैं तो आपसे पूछ सकता है वो अब इलुस्ट्रेशन, ये भी एक्सटर्नल एड टू द इंटरप्रिटेशन में ही आता है। एक्सटर्नल एड टू द इंटरप्रिटेशन में समझेगा इलुस्ट्रेशन, कई बार किसी सेक्शन के बाद इलुस्ट्रेशन दिया होता है, इलुस्ट्रेशन की इंटरप्रिटेशन अलग से नहीं होती, मतलब वो कोई अलग से मतलब नहीं निकाल रहा बल्कि वो जो लॉ ऊपर दिया गया ना वो उसी को एक्सप्लेन करने के लिए है, उससे ऑपोजिट मीनिंग इलुस्ट्रेशन नहीं दे सकता। मैनी सेक्शन हैव द इलुस्ट्रेशन अपेंडेड टू देम, कई बार ऐसा हुआ है खाली उसने कहा इलुस्ट्रेशन बताओ, प्रोवाइजो बताओ, तो ध्यान रखना इन पे अपने आप में भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है जी, दिस इज इलुस्ट्रेशन फॉलो द टेक्स्ट ऑफ द सेक्शन, तो यानी कि सेक्शन के बाद इलुस्ट्रेशन दिए होते हैं एंड देयरफॉर डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द सेक्शन, मेन सेक्शन का पार्ट नहीं है,
However, illustration do not form part of the statute and considered to be of relevance and value in construing the text of the section. Construing मतलब समझना, यानी कि जो section का अर्थ लिखा हुआ है उसको अर्थ को समझने में हमारी मदद करते हैं. However, the illustration cannot have the effect of modifying the language of section. इसका मतलब ये नहीं है कि section का interpretation आप बदल दें, and can neither curtail मतलब कम भी नहीं कर सकते आप मतलब, और उसका मतलब expand भी नहीं कर सकते. एज इट इज ये लैंग्वेज लिख के आनी पड़ेगी, इलस्ट्रेशन पे ध्यान रखना. आगे बढ़ते हैं प्रोवाइजो. अब तक तो आप बहुत बार सुन चुके हैं प्रोवाइजो का मतलब मेन सेक्शन में जो कंटेंट लिखा होता है डेट इज कॉल्ड प्रोविजन. बट उस प्रोविजन के नीचे जब कई बार वर्ड लिखा होता है प्रोवाइडेड, तो वो प्रोवाइडेड वर्ड होता है एक्सेप्शन टू द जनरल रूल जो कि ऊपर लिखा हुआ है, ये उसकी एक्सेप्शन है. एज अ जनरल रूल अ प्रोवाइजो इज एडेड टू एन इनएक्टमेंट टू क्वालिफाई और क्रिएट एन एक्सेप्शन टू व्हाट इज इन द इनएक्टमेंट. एक्सेप्शन मतलब जो इनएक्टमेंट में लिखा हुआ है मेन प्रोविजन के अंदर, उसकी एक्सेप्शन क्रिएट करने के लिए प्रोवाइजो आता है. ऑर्डिनरली अ प्रोवाइजो इज नॉट इंटरप्रिटेटेड एज स्टेटेड स्टेटिंग अ जनरल रूल. यानी कि जनरल रूल के साथ नहीं पढ़ा जाना, जनरल रूल के साथ साथ ही नहीं पढ़ा जाना चाहिए क्योंकि उसकी एक्सेप्शन है. इट इज अ कार्डिनल रूल. कार्डिनल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है, जनरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन डेट अ प्रोवाइजर टू अ पार्टिकुलर प्रोविजन ऑफ द स्टैट्यूट ओनली इम्ब्रेसेस. इम्ब्रेसेस का मतलब होता है कवर करना द फील्ड विच इज कवर्ड बाय द मेन प्रोविजन. यानी कि प्रोवाइजो जब किसी पार्टिकुलर सेक्शन के नीचे दी गई है तो मतलब ये उस पार्टिकुलर सेक्शन की ही प्रोवाइजो है, बल्कि पूरे लॉ की प्रोवाइजो नहीं है. इट कार्व्स आउट का मतलब इट प्रोवाइड्स एन एक्सेप्शन टू द मेन प्रोविजन टू विच इट हैज बीन इनेक्टेड एज अ प्रोवाइजो एंड टू नो अदर. फॉर एग्जाम्पल अगर 196 सबसेक्शन 3 की प्रोवाइजो दी हुई है तो इसका मतलब वो प्रोवाइजो में सबसेक्शन 3 के लिए है, सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 1 के लिए नहीं है. ठीक हो गई बात. चले फिर आता है एक्सप्लेनेशन. कई बार किसी चीज को एक्सप्लेन, किसी वर्ड को एक्सप्लेन करने के लिए सेक्शन के बाद उसकी एक एक्सप्लेनेशन दी जाती है. तो एक्सप्लेनेशन कहता है एन एक्सप्लेनेशन में बी एडेड टू इंक्लूड समथिंग विद इन द सेक्शन और टू एक्सक्लूड समथिंग फ्रॉम इट. तो एक्सप्लेनेशन का मतलब होता है कि या तो इस सेक्शन में ये भी इंक्लूड होगा, इसका मतलब ये है, या फिर कुछ चीज एक्सक्लूड करने के लिए बता सकता है. एन एक्सप्लेनेशन शुड नॉर्मली बी सो रीड सो एज टू हार्मोनाइज विद एंड क्लियर अप एनी एम्बिग्यूटी इन द सेक्शन. तो ये केवल जो सेक्शन के अनेक मतलब निकल सकते हैं ना, उनको दूर करने के लिए केवल एक्सप्लेनेशन आती है. ठीक है, फिर आती है शेड्यूल. जैसे हमने कहा कंपनीज एक्ट कौन से शेड्यूल में बनता है, शेड्यूल नंबर फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन से शेड्यूल में बनती है, शेड्यूल नंबर 3 के अंदर बनती है. तो शेड्यूल क्या होते हैं, ये भी इंटरप्रिटेशन में आपकी मदद करते हैं. कहता है द शेड्यूल फॉर्म पार्ट ऑफ एन एक्ट, देयरफॉर दे मस्ट बी रीड टुगेदर अलोंग विद द एक्ट फॉर द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन. तो क्या मैं कह दूं कि अगर मैं शेड्यूल 3 का पालन नहीं कर रहा हूं तो फिर क्या मैं कंपनी एक्ट का उल्लंघन कर रहा हूं? हां, इसका मतलब क्या शेड्यूल 3 भी कंपनी एक्ट का पार्ट है? हाँ. हाउ द एक्सप्रेशन इन द शेड्यूल कैन नॉट कंट्रोल और प्रिवेल ओवर द एक्सप्रेशन इन द इनएक्टमेंट. वो कहता है शेड्यूल जो है ना वो एक्ट का एक पार्ट है, वो ना तो इस एक्ट के मतलब को चेंज कर सकता है ना इसके ऊपर प्रिवेल कर सकता है. मेन तो सेक्शन है, सेक्शन के अंदर शेड्यूल दिया हुआ है. तो सेक्शन 129 सबसेक्शन 3 कहता है कि शेड्यूल 3 का पालन करो, तो इसका मतलब शेड्यूल 3 का पालन करना सेक्शन 123 की रिक्वायरमेंट है. सेक्शन 129 सबसेक्शन 3 बाप है और ये जो है औलाद है उसकी शेड्यूल बस. इट देयरफॉर अपीयर टू बी If there appear to be any inconsistency between the schedule and enactment, तो enactment shall prevail. तो जीतेगा कौन? Enactment जीतेगी, schedule नहीं जीतेगा. उसके बाद हमारे पास अगला rule of interpretation आता है जो कहता है read the statute as a whole. कहता है कि statute को ना पूरी तरह से पढ़ा जाना चाहिए और जल्दबाजी में कोई इसका मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए. For example, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक example करवाया था. इट इज द बेसिक प्रिंसिपल दैट द कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्टैट्यूट इज टू बी ऑफ ऑल इट्स पार्ट्स टेकन टुगेदर एंड नॉट ऑफ द वन पार्ट ओनली. ठीक है ना, तो जब आप स्टैट्यूट की कंस्ट्रक्शन करते हैं तो सारे पार्ट्स को एक साथ पढ़ा जाना चाहिए, केवल एक पार्ट को ही नहीं. हमने एग्जांपल भी किया था कि एनी डीड मस्ट बी रीड एज अ होल इन ऑर्डर टू असर्टेन द ट्रू मीनिंग ऑफ द सेवरल क्लॉजेस. यानी कि पूरी डीड को पूरी तरह से पढ़ा जाना चाहिए, तभी जाकर एग्जैक्ट मतलब उसका क्लियर होगा.
पूरी डीड को पढ़ा जाना चाहिए, तभी जाकर उसका एग्जैक्ट मतलब क्लियर हो सकता है। इसके ऊपर अगर आपको याद हो तो हमने एक एग्जाम्पल भी किया था। एग्जाम्पल क्या किया था, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि अगर मान लीजिए एक जगह लॉ में लिखा हुआ है कि नोटिस देना चाहिए, तो नोटिस का मतलब हो सकता है ओरल और रिटर्न भी हो सकता है, बट वहीं पर आगे लॉ में लिखा हुआ है कि नोटिस जो है इस एक्ट के अंदर सर्व किया जाना चाहिए। अब नोटिस सर्व करने का मतलब होता है कि नोटिस कैसे दिया जाएगा, रिटर्न, तो इसका मतलब जो पहले भी नोटिस दिया गया था ना उसका मतलब भी रिटर्न नोटिस ही था, ठीक है ना। फिर उसके बाद हमारा ये अपने आप में भी आ सकता है, रीड द स्टैट्यूट एज अ होल, अगर अपने आप आता है तो एग्जाम्पल कोट करना, अदरवाइज कोट करने की जरूरत नहीं है। फिर हमने एक्सटर्नल एड टू द इंटरप्रिटेशन किया, ये सब लिखवाए थे मैंने, कॉपीज में स्टेम लिखे गए होंगे। अगर आप में से कोई ऐसा है जिसके पास स्टेम लिखा हुआ नहीं है, मैं रिकमेंड तो नहीं करूँगा, मैं कहूँगा भाई जहाँ से पढ़ा था वहीं का वहीं उठा लो, क्योंकि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो स्टडी मटीरियल में है, वही स्टडी मटीरियल है, क्योंकि इसमें स्टडी मटीरियल से जो डेविएट करेगा, जो स्टडी मटीरियल के अलावा एग्जाम्पल कोट करेगा, वो तो बेटा लोटा उठा के हरिद्वार निकल जाओ, मार्क्स नहीं मिल सकते। जो स्टडी मटीरियल की लैंग्वेज है उसी पे मार्क्स मिलेंगे। तो अगर आपके पास लिखा हुआ नहीं भी है, स्टडी मटेरियल उठा के सामने बैठ जाओ, और मैं जो बोल रहा हूँ वो स्टडी मटेरियल की लैंग्वेज है, ठीक है ना। कहता है सबसे पहले एक्सटर्नल एड टू द इंटरप्रिटेशन, अपने आप में पूछ सकता है डिफाइन द डिफरेंट एक्सटर्नल एड टू द इंटरप्रिटेशन। तो फिर सबसे इन ये सारे पॉइंट्स आपको लिख के आने पड़ेंगे। हिस्टोरिकल सेटिंग, हिस्टोरिकल सेटिंग का मतलब क्या है, अगेन जैसे मैंने कहा कि डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर की बात कही मैंने, मोर ऑर लेस वही का वही एग्जांपल बनता है यहाँ पर। वो कहता है कि कई बार मैंने क्या लिखवाया हुआ दिखेगा अपनी कॉपीज में, दिखेगा द हिस्ट्री ऑफ द एक्सटर्नल सरकमस्टेंसेस, जो बाहर का वातावरण था जिसने कि मजबूर किया कि इस लॉ को बनाया जाए, बाहर का वातावरण। फॉर एग्जाम्पल हमने एक एग्जाम्पल लिया था अनारकली डिस्को चली, कौन सा ऐसा वातावरण था जिसने अनारकली को मजबूर किया कि जा अनारकली जा डिस्को में जा। अब ये एग्जांपल वहां कोट मत कराना, तुम्हें तो वेजिटेरियन मिलेगी, मुझे नॉन वेज दे डालेगा वो, तो इसलिए कौन सा, ये मैंने एग्जांपल दिया था वैसे ही, कि कौन सा ऐसा वातावरण था बाहर का जिसने अनारकली को ये मजबूर किया कि अनारकली को डिस्को जाना पड़ा। तो वही हिस्टोरिकल सेटिंग, द हिस्ट्री ऑफ द एक्सटर्नल सरकमस्टेंसेस विच लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द एक्ट इज मोस्ट सिग्निफिकेंस व्हाइल कंस्ट्रूइंग एन एक्ट, ठीक है। तो वो सारे बाहरी तत्व जिन्होंने मजबूर किया इस एक्ट को बनने में, उन सब के बारे में वो सारे भी मदद करते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स थे जो कि जिन्होंने कि इस एक्ट को बनाने में मदद की, कौन कौन से। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ, वैसे अगर एग्जांपल आ जाए तो कोट कर देना, फाइनल वालों तुम, इंटर वालों तुम मत एग्जाम्पल कोट करना। इंडिया के अंदर बेनामी ट्रांजेक्शन्स बहुत होती थी, जहाँ पे लोग क्या करते थे, अपने ड्राइवर के नाम, अपने नौकरों के नाम प्रॉपर्टीज खरीद लेते थे, बेनामीदार बन जाते थे, ठीक है। तो ऐसे फैक्टर्स, इनको काबू में करने के लिए एक्ट लाया गया, प्रोहिबिशन ऑफ द बेनामी ट्रांजेक्शन्स एक्ट। फाइनल वालों आप लिखना, इंटर वालों आप मत लिखना, मैंने कहा ये दोनों में सेम है बिल्कुल। आगे कंसोलिडेटिंग द स्टैट्यूट एंड द प्रीवियस लॉ, कंसोलिडेटिंग द स्टैट्यूट एंड द प्रीवियस लॉस। फॉर एग्जांपल अभी मैंने प्रीएम्बल में बताया कि कंपनी एक्ट का उद्देश्य क्या है, द प्रीएम्बल ऑफ द कंपनी एक्ट इज टू कंसोलिडेट एंड मॉडिफाई द एक्ट इन रिलेशन टू द कंपनी। और अब हम पढ़ रहे हैं कंसोलिडेटिंग द स्टैट्यूट एंड द प्रीवियस लॉ, इसका मतलब क्या है। कई बार हम प्रीएम्बल में यूज करते हैं वर्ड दिस एक्ट इज इंट्रोड्यूस सो एज टू कंसोलिडेट द प्रीवियस लॉ, बस यही। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि हमारा उद्देश्य पुराने एक्ट को ऑल्टर करना नहीं है, मॉडिफाई करना नहीं है, बट ये एक्ट जो उस एक्ट में कुछ डाउट आ रहे थे उनको क्लैरिफाई करने के लिए है। कंपनी अमेंडमेंट एक्ट 2019, कंपनी एक्ट 2013 को ओवररूल नहीं कर रहा, उसे कंसोलिडेट कर रहा है, समझ आया। कंपनी अमेंडमेंट एक्ट 2017, कंपनी एक्ट 2013 को कंसोलिडेट कर रहा है, यानी कि उसमें जो डाउट थे उनको क्लियर कर रहा है,
ठीक है. थर्ड यूसेज, अगेन यूसेज का मतलब है कि कई बार समाज में क्या चल रहा है, समाज में एज पर द कन्वेंशन किसी चीज की इंटरप्रिटेशन क्या ली जा रही है, ये भी मदद करता है कोर्ट की ये जानने के लिए कि इस पार्टिकुलर वर्ड का मतलब क्या होना चाहिए. चले तो परंपराएं क्या चली आ रही हैं, समाज में क्या क्या परंपराएं चली आ रही हैं, कई बार अगर एक्ट के इंटरप्रिटेशन में ये भी मदद करती हैं, कोर्ट की मदद करती हैं कि वो कोर्ट इनका क्लियर मीनिंग डिफाइन कर सके. फिर उसके बाद कहता है अर्लियर एक्ट एंड द एनालॉग्स एक्ट. कहता है कई बार ऐसा होता है कि दो एक्ट अलग अलग समय पर आए, दोनों एक दूसरे को रेफर भी नहीं कर रहे, तो फिर क्या होगा. फॉर एग्जाम्पल कंपनीज एक्ट कहता है प्रोस्पेक्टस बनेगा तो सेक्शन 26 के अकॉर्डिंग बनेगा. सेबी कहता है कोई भी कंपनी जो पब्लिक इश्यू लाना चाहती है वो प्रोस्पेक्टस बनाएगी. सेबी कहता है प्रोस्पेक्टस बनाएगी. कंपनी एक्ट कह रहा है प्रोस्पेक्टस बनेगा तो सेक्शन 26 के अकॉर्डिंग बनेगा. दोनों एक्ट अलग अलग है, सेबी का अलग है, कंपनीज एक्ट अलग है, क्या एक दूसरे को ओवर रूल कर रहे हैं? नहीं. तो अगर मैं दोनों को जोड़ू तो क्या मैं कह सकता हूं कि सेबी के अंदर जो प्रोस्पेक्टस होगा वो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग ही होगा? आंसर इज यस. सर ये तो हारमोनियस कंस्ट्रक्शन बनाना, कह सकते हो कि हारमोनियस कंस्ट्रक्शन जैसा है, बट यहां पर ना हारमोनियस कंस्ट्रक्शन में नॉर्मली क्या होता है कि जैसे मैंने कंपनी एक्ट के सेक्शन 136 का एंड सेक्शन 96 का एग्जाम्पल लिया, यहां पर मैं सेबी एक्ट और कंपनीज एक्ट दो अलग अलग एक्ट्स की बात कर रहा हूं. एक एक्ट पहले आया, दूसरा एक्ट बाद में आया. एक एक्ट पहले आया, फॉर एग्जाम्पल पहले कंपनी एक्ट 1956 था, फिर सेबी एक्ट 1992 आया, दोनों ने बातें की, बट दोनों के द्वारा की गई बातें जो सेबी एक्ट प्रोस्पेक्टस कह रहा है उसका मतलब जो कंपनीज एक्ट के प्रोस्पेक्टस है उससे लिया जा सकता है? द आंसर इज यस, क्योंकि सेबी एक्ट ने अलग से डिफाइन नहीं किया, तो यही लिखा हुआ है. कई बार कहता है फिर डिक्शनरी डेफिनेशन, कई बार कहता है कि जब एक्ट बन जाता है तो एक्ट के अंदर ना कुछ चीजों को डिफाइन किया गया होता है. डिफाइन किया गया तो बहुत अच्छी बात है, परंतु अगर डिफाइन नहीं है तो फिर इसका डिक्शनरी मीनिंग लो. फॉर एग्जाम्पल स्टेचुटरी कॉरपोरेशन पूरे कंपनी एक्ट में डिफाइन नहीं है. अब डिफाइन नहीं है तो मैं स्टेचुटरी कॉरपोरेशन की डिक्शनरी के मतलब पे आऊंगा कि इसका डिक्शनरी का मतलब क्या होता है, मतलब इसका डिक्शनरी में एग्जैक्ट मतलब क्या होता है, मुझे वो देखना पड़ेगा. और लास्ट है यूज ऑफ द फॉरेन डिसीजंस, इसका मतलब क्या है. आपने पूरे कंपनी लॉ में कई फॉरेन डिसीजंस किए हैं, हार्वर्ड वर्सेस पेटेंट एवरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, अगर आपको याद हो, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर अगर याद हो, न्यू ब्रुंसविक कंपनी वर्सेस मगराइच प्रोस्पेक्टस के चैप्टर के अंदर अगर याद हो, याद आया रूल ऑफ टर्क्वेंडो, रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्क्वाइंट, अल्ट्रा वायरस के अंदर हमने किए थे, रूल ऑफ इंडोर मैनेजमेंट के अंदर हमने किया था. ये सारी हमारे मोहल्ले के केस लॉ हैं क्या? नहीं, ये कब के हैं, ये तो सारे फॉरेन केस लॉ हैं. तो क्या वो केस लॉ हमारे लिए रेलेवेंट हैं? हाँ, तभी तो हम कर रहे हैं, क्योंकि हमारा लॉ जो है वो इंग्लैंड के लॉ की एज इट इज कॉपी हुआ करता था, हमारा कंपनी एक्ट. यानी कि हमारा लॉ कंपनी इंग्लैंड के कंपनी लॉ पे ही आधारित था, तो इसलिए जो इंग्लैंड के कंपनी इंग्लिश लॉ के जो डिसीजन है वो मोर और लेस हम भी एज इट इज फॉलो करते हैं और वो भी हमारे लॉ का हिस्सा बन जाते हैं. बस ये लिखा हुआ है. उसके बाद एक चीज और पढ़ लेना, हालांकि अब ये सब करने के बाद बड़ा ईजी हो जाएगा उसे पढ़ना, वो ये है कि डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन मत करना, क्योंकि डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन तो आपने जनरल क्लॉज एक्ट में पढ़ ली है. फिर है इंटरप्रिटेशन क्या होता है,
इंटरप्रिटेशन का मतलब हालांकि मैंने लिखवाया हुआ है, आप वो भी लिख सकते हैं, और साथ में अगर थोड़ा सा इलेबोरेट करना चाहें तो लिख सकते हैं, इंटरप्रिटेशन इज द प्रोसेस बाय विच द रियल मीनिंग ऑफ एन एक्ट एंड द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेटर इज एसर्टेन। ये मतलब मैंने लिखवाया हुआ है। इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या है, कंस्ट्रक्शन और इंटरप्रिटेशन सबसे पहले शुरुआत यहाँ से करवाई थी। फिर वो कहता है इंटरप्रिटेशन दो तरीके की हो सकती है, लीगल एंड डॉक्ट्रिनल। अब ये बड़े ईजी है, ध्यान रखना आप सारा पढ़ के ना, अब ये बड़ा ईजी बनेगा। एक होता है लीगल और एक कहता है डॉक्ट्रिनल। कहता है इट इज लीगल व्हेन देयर इज एन एक्चुअल रूल ऑफ लॉ व्हिच बाइंड द जज टू प्लेस अ सर्टेन इंटरप्रिटेशन। यानी कि जब लॉ एकदम क्लियर है, लॉ में लिखी गई बात एकदम क्लियर है, जो कि जज को वही फॉलो करनी है, इट इज डॉक्ट्रिनल। इंटरप्रिटेशन डॉक्ट्रिनल होगा व्हेन इट्स पर्पस इज टू बी डिस्कवर्ड रियल एंड ट्रू मीनिंग ऑफ द स्टैट्यूट। यानी कि डॉक्ट्रिनल का मतलब क्या होगा कि व्हेन इट्स पर्पस इज टू डिस्कवर, मतलब जो लॉ में शब्द लिखे हुए हैं उनका पर्पस क्या है, कि लॉ में लिखे गए सही मतलब को ढूंढ के निकालना कि एक्चुअल में मतलब लॉ का क्या होगा। यानी कि डॉक्ट्रिनल वर्ड जो है ना वो दूर तक जा रहा है, गहराई तक जा रहा है। लीगल का मतलब है कि ये तो एकदम ही लग रहा है कि यार ये तो क्लियर है। लीगल, अब जब वर्ड लीगल आता है ना तो लीगल के बारे में कहता है सब डिवाइडेड इनटू ऑथेंटिक एंड यूजुअल। ऑथेंटिक का मतलब होता है व्हेन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन इज डिराइव फ्रॉम द लेजिस्लेटर हिमसेल्फ। यानी कि उन्होंने खुद ही मतलब दिया हुआ है कि भाई इसका मतलब ये है। और यूजुअल का मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल जब आप किसी चीज का मतलब परंपराओं से लेते हैं कि इसका मतलब यूजुअली ये लिया जाता है, तो इसे यूजुअल कहते हैं। तो लीगल में दो चीजें आई, ऑथेंटिक एंड यूजुअल, और डॉक्ट्रिनल में अगेन दो चीजें आई, एक है ग्रामेटिकल। ग्रामेटिकल का मतलब है जैसे वर्ड लिखा हुआ है उसका एज इट इज मतलब निकाल लो, और एक है उसके अंदर घुसो लॉजिकल इंटरप्रिटेशन निकालो, जैसे हमने स्पीक के अंदर किया था, जो वर्ड स्पीक के अंदर किया था। ग्रामेटिकल मीनिंग स्पीक का मतलब होता है बोलना, बट हम कहाँ पे गए थे, उसके लॉजिकल मीनिंग पे गए थे कि यहाँ पर स्पीक का मतलब होता है बोलना नहीं बल्कि मीटिंग के मैटर में बोलना, ठीक है। तो एक इंटरप्रिटेशन पे अगर आ जाए तो ये पॉइंट आप संभाल के लिख के आना। तो ये था आपका इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट का पूरा टॉपिक। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू।